जो अपनी राह खुद चुनते हैं वो पगडंडियों के बाधाओं की परवाह कहां करते हैं। जो दुर्गम रास्तों का पथिक बनने की ठान लेते हैं वो कांटों की परवाह कहां करते हैं। वो तो बस लक्ष्य तय करते हैं और अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। तभी तो कामयाबी के दिन बड़ी बड़ी चोटियां उनके जज्बे और हौसले को सलाम करती हैं। तारीख 24 जनवरी, दिन मंगलवार। उत्तर प्रदेश अपना 74वां स्थापना दिवस मना रहा था। मंच प्रदेश की बड़ी बड़ी विभूतियों और प्रतिभाओं का साक्षी बना। उन्हीं प्रतिभाओं के बीच एक असीम प्रतिभा का धनी भी था। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहे थे। इन्हीं खिलाड़ियों में टोक्यो पैरालंपिक चैंपियन और यूपी के गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई भी मौजूद थे, जिन्हें लक्ष्मण पुरस्कार से नवाजा गया। जो चैंपियन होते हैं उन्हें जीत से कम कुछ भी गंवारा नहीं होता, वो चाहे खेल का मैदान हो या फिर देश की सबसे बड़ी परीक्षा, और उसके बाद कर्तव्यों के बीच चुनौतियों के साथ सामंजस्य। सुहास एलवाई की कहानी भी ऐसी ही है। कर्नाटक के छोटे से शहर शिगोमा में जन्मे सुहास एलवाई, तकदीर ने भले ही उन्हें बचपन में ही दिव्यांग बना दिया था, लेकिन उनके जज्बे और हौसले किसी आम इंसान से भी ज्यादा ताकतवर थे। बचपन से ही सुहास की दिलचस्पी खेलों में थी। पिता भी हमेशा सुहास को किसी सामान्य बच्चे की तरह ही मानते थे, तभी तो बच्चे की रुचि में खुलकर साथ खड़े रहते थे। पैर पूरी तरह फिट नहीं था, ऐसे में उन्हें समाज के ताने भी सुनने को मिलते थे, लेकिन पिता और परिवार ने कभी सुहास का हौसला नहीं टूटने दिया। कहते हैं सुहास शुरू से आईएएस नहीं बनना चाहते थे। सुहास की शुरुआती पढ़ाई गांव में ही हुई, तो वहीं सूरतकर शहर से उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग पूरी की। साल 2005 में पिता की मृत्यु के बाद सुहास इस कदर टूट गए कि उन्होंने ठान लिया सिविल सर्विस ज्वाइन करनी है। फिर क्या था, सब छोड़ छाड़ कर उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। सुहास को जज्बा तो ईश्वर से पहले ही मिल गया था, और इसी चट्टानी जज्बे के बलबूते उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की। यूपी के आगरा में पहली पोस्टिंग मिली। तब लोगों को लग रहा था सुहास अपने लक्ष्य को भेद चुके हैं, लेकिन उनके दिमाग में तो असली लक्ष्य अभी बाकी था, जिसका सपना उन्होंने बचपन में देखा था। सुहास को अभी तो दुनिया के पटल पर छाना बाकी था। सुहास यूपी के अलग अलग जिलों के डीएम रहते अपना खेल जारी रखा। दिन प्रशासनिक सेवा में बीतता और शाम होते ही वो मैदान पर प्रैक्टिस के लिए जाते। सुहास एल यतिराज उस वक्त आजमगढ़ के डीएम थे जब किस्मत उनकी चौखट तक चलकर आई। किस्सा यह है कि एक रोज एलवाई को एक बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए उद्घाटन के लिए बुलाया गया, जहां सुहास ने आयोजकों से अपील की। इस टूर्नामेंट में सुहास ने एक खिलाड़ी के तौर पर शामिल होने की इच्छा जताई। आयोजक मान गए और यहीं से शुरू हुआ चैंपियन बनने का सफर, जो सुहास को दुनिया के मंच पर ले जाने वाला था। इसके बाद सुहास ने प्रैक्टिस तेज की और फिर टोक्यो ओलंपिक में चैंपियन बनने के बाद ही कदम रुके। सुहास एलवाई योगी आदित्यनाथ के प्रिय अधिकारियों में भी गिने जाते हैं। कोरोना काल के दौरान जब सीएम योगी नोएडा दौरे पर थे, तो कमियों के चलते योगी आदित्यनाथ ने वहां के डीएम को हटाया, तो ये चुनौती सुहास एलवाई को सौंपी। यहां भी उन्होंने पूरी लगन और जिम्मेदारी के साथ काम किया। इसके अलावा अपनी तैयारी भी करते रहे। 5 सितंबर 2021 को सुहास टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड लाने से चूक गए, लेकिन सिल्वर मेडल जीतकर उन्होंने न सिर्फ देश का नाम रोशन किया, बल्कि तमाम कठिनाइयों को दरकिनार करते हुए उन्होंने उस ऊंचाई को छुआ जिसका सपना उन्होंने बचपन में देखा था। आज के दौर में सुहास हर उन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो कठिनाइयों और तकदीर का हवाला देकर टूट जाते हैं।